का जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नामों कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। तो कहीं पैसे चुराने वाली बात पर भाभी आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है ना? ये सब बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो पूजा। मेरी मॉम ने सर के साथ झोंके। इन दिनों आप लोगों को जिस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है उस बात की माफी आकांक्षा। इस बारे में हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते। हम लोग को पता चल गया है कि आप मल्लिका मैम की जगह आप ही इस कंपनी के कर्ता धर्ता हो, इसलिए शहर के बड़े बड़े लोगों ने आपको मिलने के लिए आज एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, तो आज शाम को आपको उसमें जाना है। सर मेरे पास पल भर की भी फुर्सत नहीं, मैं 3 दिन तक कहीं नहीं जा सकता। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? पूर्वा की शादी के बाद पहली बार हम लोग साथ में खरीदारी करने निकले। हाँ, खरीदारी भी काफी अच्छी हो गई। तुमने सबके लिए तो कुछ ना कुछ खरीदा, लेकिन अपने लिए भी कुछ ले लिया। पूजा, अरे अब क्या हुआ? अरे थक गई हूँ। अरे पूजा सुन तो, लाओ बैग दे दो मुझे। पूजा मामा, जरा ये थैला तो पकड़। कल्याणी, माँ, कल्याणी, चलो डॉक्टर के चलते, चलो। नहीं नहीं, ठीक, माँ जी, माँ, कल्याणी, माँ जी, एक कल्याणी, माँ जी क्या, कल्याणी, माँ, कल्याणी, माँ जी, पापा, मैंने मेनका को माफ तो कर दिया है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में कुछ खटक सा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही थी, या फिर माफी मांगने का सिर्फ नाटक कर रही हो। नहीं आकांक्षा, तुमने देखा ना कि माफी मांगते मांगते मेनका की आंखों से आंसू आए थे। बेटा, जब भी कोई मन से दुखी होता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि मेनका के आंसू भी सच थे, दुख के आंसू थे। हाँ माँ, हो सकता है कि आप जो कह रही हैं वो सच हो सकता है कि उसे वाकई मल्लिका जी के किए पर बहुत शर्मिंदगी है। लेकिन माँ, हमें फिर भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो है तो मल्लिका थापर की बेटी।
क्या पता वो भी उन्हीं की तरह चालबाज निकली तो? नहीं आकांक्षा, जरूरी नहीं कि चोर का बेटा चोर ही निकले। हमें इस समय मेनका पे भरोसा करना ही चाहिए, और अगर उसने हमसे धोखा किया, कुछ गलत किया, तो भगवान देख रहा है, उसे उसके किए की सजा जरूर देगा। हाँ माँ, हो सकता है कि मैं मेनका पर बेवजह शक कर रही हूँ, या वो शायद सच में सुधर गई है। बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहिए माँ। बेटा, अब कृष्णा अपने ससुराल चली गई है और वहां पर खुश है। हमने मलिका को भी उसके किए की सजा दिलवा दी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब मंदिर चले और भगवान का शुक्रिया अदा करें। ठीक है माँ, मैं एक दो दिनों में गाड़ी का इंतजाम करती हूँ, क्योंकि पापा तो बिना गाड़ी के नहीं जा पाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे ही इंतजाम हो जाए मुझे बता देना। ठीक है माँ, अब पापा के पास बैठिए, मैं चलती हूँ। भाग्यशाली है कि हमें आकांक्षा जैसी बेटी मिली है। आपको पता है, सोहन आकांक्षा को बहुत पसंद करता है। मैंने आकांक्षा से उसके शादी की बात की, तो उसने कहा कि जैसे ही पापा ठीक हो जाए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाना, फिर हम सोहन की शादी आकांक्षा से करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। सुकन्या हमारी बेटियां। आराम, धीरे 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 से। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ। नहीं माँ जी, ये लीजिए, गरम गरम हल्दी का दूध पी लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। पूजा माँ को आराम से। माँ जी लीजिए। माँ, आराम से। नहीं पीना है बाबूजी, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। हाँ बेटा। नहीं नहीं बहू, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम लोग जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो। नहीं नहीं माँ जी, हम आपके पाँव दबा देते हैं, हम बिल्कुल थके नहीं है, आपको आराम मिल जाएगा। नहीं दुल्हन, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पापा जी से कह दूंगी, तुम जाओ। कृष्णा बेटा, तुम लोग जाओ, जाकर आराम कर लो। वैसे भी खरीदारी करने में बहुत थकान हो गई। जी बाबूजी।
ज्यादा दर्द हो रहा है? बस थोड़ा थोड़ा दर्द है, ठीक हो जाएगा। कल्याणी, आज तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं तृष्णा के प्रति चिंता मुक्त हो गया। अब मुझे ये लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी तृष्णा के लिए चिंता करती। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए तृष्णा की जान बचाई। बताओ तो भला, कितनी सासें अपनी बहुओं के लिए ऐसा करती हैं? आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी खुशी तो आपकी खुशी में ही है। कृष्णा, ये हुआ कैसे? माँ, हम रास्ते से जा रहे थे, पता नहीं अचानक से एक लड़का बाइक पे तेजी से हमारी तरफ आया। वो तो अच्छा हुआ माँ जी ने देख लिया, वरना न जाने हमारे साथ क्या होता। कृष्णा, सच सच बता, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं माँ, हमें कुछ नहीं हुआ है, पर हाँ, हमें बचाते बचाते माँ जी को थोड़ी चोट लग गई है। क्या? लेकिन बेटा, उन्हें डॉक्टर को दिखाया? नहीं नहीं माँ, उन्हें थोड़ी सी मोच आई है, हमने मलहम लगा दिया है और उन्हें हल्दी वाला दूध भी दे दिया है, अब दर्द उनका पहले से कम है। देखो बेटा, तुम कल्याणी बहन का ध्यान रखना, क्योंकि इस उम्र में लगी हुई चोट बहुत दर्द देती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही की वजह से दर्द हमेशा के लिए बैठ जाए। माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम माँ जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बेटा, कल्याणी बहन को फोन देना, मैं उनसे हालचाल पूछती हूँ। माँ, अभी माँ जी सो रही हैं, जैसे ही उठेंगी उनसे आपकी बात करवा देंगी। ठीक है? ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है माँ, अपना ख्याल रखिएगा। सुकन्या हमारी बेटियां। कृष्णा बेटा। बाबूजी। बेटा एक मिनट। ठीक है ये बाबूजी। बेटा, कल्याणी को दूध दे देना। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम माँ जी को समय पर दूध दे देंगे। वो तो मैं जानता हूँ बेटा, पर क्या है कि तुम्हारे जिम्मे इतने काम है कि मैंने सोचा तुम कहीं भूल न जाओ। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, हम नहीं भूलेंगे, हमें याद रहेगा। अच्छा बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी, आज माँ जी ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाते बाबूजी। नहीं बेटा, कल्याणी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्यार और विश्वास उसके साथ है। सच कहूं तो आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि कल्याणी ने दिल से तुम्हें स्वीकार कर लिया और अब वो सचमुच बदल गई। जी बाबूजी, आज माँ जी की वजह से तो हम इस घर में हैं, वरना उस बाइक वाले ने तो हमारी जान ही ले ली होती। अब बाबूजी, एक और बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा। जब से माँ जी हमें इस घर में लेकर आई हैं, तब से उन्होंने हमें एक भी काम करने के लिए नहीं दिया है, सारा काम वो खुद ही करती है। लेकिन बस अब और नहीं, अब घर का काम सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे और वो सिर्फ आराम करेंगी। बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। अरे, ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो भला हमको क्या परेशानी होगी।
अच्छा तो तुम आंटी को बता कर आई हो कि तुम मुझे मिलने आई हो यहाँ? हाँ सर, मैं माँ से कभी कोई बात नहीं छिपाती। कोई भी बात नहीं? हाँ कोई बात भी नहीं। क्या ये भी बताओगी? क्या? यही कि आज मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। सोहन, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ पता है, तभी तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या? अच्छा हुआ सोहन कि तुम्हारे फ्रेंड से पता चल गया कि तुम आकांक्षा से कैफेटेरिया में मिलने वाले हो, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में मेनका आ चुकी है। अब आकांक्षा से मुलाकातें बंद करनी पड़ेंगी तुम्हें। सुकन्या हमारी बेटिया। सुकन्या हमारी बेटियां। मेनका। हाय सोहन, तुम बैठो मैं आती हूँ। अब तुम लोग यहाँ? ये तो हमारी सबसे पसंदीदा जगह है। जब भी कुछ वक्त मिलता है हम यहाँ जरूर आते हैं। लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं भी अपनी एक फ्रेंड के साथ आई थी। घर में मन नहीं लग रहा था तो सोचा बाहर घूमकर आती हो तो अच्छा लगेगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी और मन भी बहल जाएगा। आकांक्षा सर कैसे हैं आप? ठीक है, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। ये तो बहुत अच्छी बात है आकांक्षा। हाँ अब एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दूँ, हो सकता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आकांक्षा मेरी जान पहचान के एक डॉक्टर है, तो इस शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव। तुम कहो तो मैं उनसे बात करूँ? नहीं मेनका, मैं तुम्हारी मॉम के किसी भी पहचान वाले से मदद नहीं ले सकती, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे। मुझे पता है आकांक्षा, तुम मॉम के जान पहचान के डॉक्टर से इलाज नहीं करवाओगे, लेकिन ये डॉक्टर मेरी जान पहचान के, मेरी एक फ्रेंड के अंकल हैं, इसलिए मैं उन्हें जानती हूँ। अगर ऐसी बात है आकांक्षा, तो हमें एक बार सर को ले जाकर डॉक्टर श्रीवास्तव को दिखाई देना चाहिए। हो सकता है वो सर को पूरी तरह से ठीक कर दे। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है आकांक्षा? अगर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो तुम मेरी इतनी बात तो मानोगी ना? आकांक्षा मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से बात करके उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करती हूँ। भगवान ने चाहा तो सर बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा सोना अब मैं चलती हूँ, अगर भाई ने देख लिया तो। बाय बाय। मेनका कितना बदल गई है ना? हाँ सोहन। कैसा दर्द है माँ? थोड़ा थोड़ा दर्द है, ठीक हो जाएगा।
ये लीजिए गर्मा गर्म दूध और लीजिए दवाई। डॉक्टर ने कहा है कि आप ये खाएंगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने? मैंने तो कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया। आपने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया था, इसलिए बाबूजी डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने आपकी तबीयत के बारे में बताया और आपके लिए दवाई लेकर आ गए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं वैसे ही ठीक हो जाती। माँ जरूरत थी, हम आपको इस तरह दर्द से परेशान होते हुए नहीं देख सकते। चलिए माँ जी अब आप जल्दी से दूध के साथ दवाई लीजिए। आराम से, आराम से। जो आपने हमारे लिए किया, हमारी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान की परवाह तक नहीं की, आपका ये एहसास हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा एक तरफ माँ भी कहती हो और एक तरफ एहसान की भी बात करती हो, इन दोनों में से किस बात को सच मानूं? तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो बेटी, और बेटी की हिफाजत करना माँ का फर्ज होता है ना। बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या।